नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का क्लास जो है 64 यानी कि 64वें दिन के क्लास को देखने वाले। तो दोस्तों, अगर आप लिखना सीखना और बोलना आसान हो गया है तो बस एक ही वजह से, क्योंकि ओमनीसेंट इंग्लिश के जो है क्लासेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई नहीं करता सब्सक्राइब, जो नहीं करते हैं शायद जाहिर सी बात है उनको इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में। तो आशा है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए इस वीडियो को। एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही जो है यूज़फुल है और बहुत ही इजी है। साथ साथ दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कीजिए, घंटी को दबाइए, ठीक है, घंटी को हिट कीजिए। और उसके बाद दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि वीडियो में कितना दम है। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि चैनल के बारे में कुछ बात करते हैं कि ओमनीसेंट इंग्लिश के नाम से YouTube पर पहले से वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इसे लिखिए YouTube पर। आप सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, या नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोल के भी देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी है ये। साथ साथ दोस्तों देखिए, आप हमारे वीडियो के साथ जो है 3 से 6 महीने तक बने रहते हैं तो आपको शुद्ध शुद्ध लिखना आएगा और शुद्ध शुद्ध जो बोलना आ जाएगा। दोस्तों ये सभी उम्र के बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, जो भी इंग्लिश के प्रति उनका जुनून है उनके लिए ही है, ठीक है। और जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सारा कुछ जो आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ शॉर्टकट तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे जो है आपको आसानी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश को समझना ही एक तरह से सब कुछ उस पर बना लेना है। दोस्तों बिल्कुल ही जी स्टेप हमारे द्वारा बताया जाता है, वो भी सेंटेंस फॉर्मेट के आधार पर जो है सब कुछ होता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, रिकैप हो जाएगा। तो रिकैप में ये है दोस्तों कि टेंस होता है, टेंस जिसे काल या समय बोलते हैं। और काल किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए आप जान लीजिए पहले कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी कि वर्तमान काल, उसके बाद पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल होता है। अब देखिए, एक एग्जांपल को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मान लीजिए ये हमारा समय है, ये घड़ी है, ठीक है, जो कि अभी ये देखिए, और ये है 9, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी छः बजे का समय है और कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई काम हो रहा है, तो यानी कि जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट है। और अगर वीडियो जो है आप 9 बजे देखते या देखेंगे, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो का जो है थंबनेल देख लिया और लगा कि नहीं वीडियो इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लिया, लेकिन आप बाद में देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है। जब वीडियो मान लीजिए कि आपने अभी देखा, आप 3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आप वीडियो जब देख लेते हैं, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप कहीं और कुछ काम करते हैं, तो आपको सोचते हैं कि अरे वो वीडियो मैंने 6 बजे देखा था, यानी कि पहले देखा था, ठीक है, यानी कि 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले देखा था। तो ये वो आपका हो जाता है कि भूतकाल, यानी कि भूतकाल में आपने काम किया था। अब फ्यूचर ये हो गया कि जो बाद में आप देखेंगे। तो ये हो गया तरीका समझने का, और कैसे किसे प्रेजेंट, किसे पास्ट या किसे फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहेंगे। अब देखिए, इन चारों के दोस्तों चार चार और भी, यानी चार तरह के वर्तमान काल होते हैं, चार तरह के भूतकाल होते हैं, चार तरह के भविष्य काल, यानी चार तरह का प्रेजेंट, चार तरह का जो, चार फोर टाइप्स का जो है पास्ट, और चार तरह के जो है फ्यूचर टेंस होते हैं। वो कौन कौन होता है इसे पढ़ कर समझ लीजिए कि एक तो होता है, देखिए चारों, देखिए ये है दोस्तों प्रेजेंट का चार, जैसे मैंने बताया, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट का हो जाएगा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का हो जाएगा दोस्तों परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों चार जो है, ये चार के चार, तीनों के चार चार हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए रिकैप देख लीजिए, एक रिकैप क्या है दोस्तों, कि रिकैप के बारे में इसलिए यहाँ बात चल रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट का जो है, प्रेजेंट का दो यानी इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को मैंने बता दिया था डिटेल में। अब बात करेंगे यहाँ पर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। दोस्तों देखिए, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा, चूँकि दो बार और पहले वीडियो में आ चुका है क्लास 63 में, तो देखिए इंडेफिनिट इसमें जाता हूँ यानी हूँ, जाया करता हूँ, हूँ, जाते हो या जाते हैं, है से जो है पता चलता है कि इंडेफिनिट है, तो इसे पहचानने का तरीका है ये। और सिंपल तरीका है कि सब्जेक्ट प्लस वी1 और थर्ड पर्सन में एस या ई एस जोड़ते हैं हम लोग,
उसके बाद नेगेटिव में जो है दोस्तों डू नॉट है, लेकिन जब थर्ड पर्सन आता है तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल भी आप देख लीजिए, ही गो, आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो। उसी तरह दोस्तों डब्ल्यूएच क्वेश्चन में व्हाट डू आई गो, थर्ड पर्सन में दोस्तों कैसे लगता है, ही गो के साथ थर्ड पर्सन है तो गो के साथ एस या ईएस मैंने बताया, तो ये देखिए यहाँ पर ईएस जुट गया, तो लाफ रहता तो लाफ्स हो जाता है, एस खाली जुटता तो ही गोज हो जाता है, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, वेयर डज ही गो, तो ये हो गया इंडिफिनिट शॉर्ट में। उसके बाद देखिए कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं, कंटिन्यूस जिसमें जा रहा है, जा रहे हो या जा रहे हैं, ये लास्ट में लिखा हो तो इसे पहचाने कंटिन्यूस है, खैर नहीं पहचाने कोई दिक्कत नहीं है, बनाना कैसे कंटिन्यूस ये देखिए, तो सब्जेक्ट होगा एम इज, एम आर इज हो का प्रयोग करेंगे और वी वन के साथ आई एन जोड़ देंगे, यानी सब्जेक्ट जो होगा उसके तरह ही एम एम आर इज होगा और वर्ब जो भी होगा जैसे गो होगा तो गोइंग हो जाएगा, कम कमिंग हो जाएगा, लाफ लाफिंग हो जाएगा, डांस डांसिंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एम एम आर या इज रहेगा उसके साथ नॉट जोड़ देंगे, भी प्लस आई एन जी जोड़ देंगे अलग से, ठीक है, आई एन जी जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल ये है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, ये हो गया। देखिए आई के साथ एम लगा, आई के साथ एम लगा, यू के साथ आर लगा और ही के साथ इज लगा। अब इसी पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नॉट लगा नेगेटिव जो है, आई एम नॉट हो जाएगा गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा दोस्तों, एम पहले आ जाएगा, एम आई गोइंग, आर पहले आ जाएगा, आर यू गोइंग, उसके बाद इज ही गोइंग, नॉट लगा देंगे इसी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, यानी एम आई नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग और इज ही गोइंग, ठीक है। उसी डब्ल्यू एच क्वेश्चन जोड़ देंगे तो व्हाट एम आई गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, देखिए वेयर आर यू गोइंग, इंट्रोगेटिव के साथ सिर्फ डब्ल्यू एच क्वेश्चन जोड़ना और इज ही नॉट गोइंग, तो इज ही गोइंग हो जाएगा। अब नॉट लगा के भी देख लीजिए, व्हाट एम आई नॉट गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग, तो ये हो जाएगा, हो गया दोस्तों कंटिन्यूस। अब देखिए बात करेंगे हम लोग जिस पे आना था, जो वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का, परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होता है दोस्तों जा चुका हूँ, यानी कि जा चुका है, जा चुका है, जा चुका हूँ हो जाएगा यहाँ पर, जा चुका है, जा चुके हैं, जा गया हूँ, या गया है, या गए हैं, ज़्यादातर ये आता है, चुका चुकी नहीं आता है, लेकिन गया जैसे कि खाया, रोया, तो इस तरह से भी आता है, लेकिन है लगा हुआ रहता है, ठीक है, मैंने खाया है, ठीक है, वह खेला है, वह गया है, ऐसे है लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो प्रेजेंट नहीं पास्ट हो जाएगा, है रहना चाहिए, याद रखना है कि है रहना है, ठीक है, रहेगा ही। अब देखिए ये तरीका देखिए क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट होगा उसके बाद हैव लगेगा, अब थर्ड पर्सन जहाँ आएगा, थर्ड पर्सन समझ रहे हैं, अगर आप सब्जेक्ट नहीं जानते हैं आई वी यू यू ही सी इट दे इस तरह से, तो आप याद कर लीजिए, और जहाँ थर्ड पर्सन होगा हैज लगेगा और भी थ्री लगेगा, भी थ्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए गो को लेते हैं, गो को लेते हैं तो गो का हो जाता है भी टू वेंट, ठीक है, वेंट हो जाता है और उसका हो जाता है गो, देखिए हो जाता है लास्ट में गॉन, ये गॉन, तो ये जो भी थ्री है, भी थ्री ये है, भी टू ये है, भी वन ये है, उसी तरह सब एक्सलवर्ड का होता है इसी दोस्तों पास्ट प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ जो दोस्तों जो है पास्ट पार्टिसिपल को लेंगे, यानी भी थ्री को लेंगे, ठीक है, पास्ट को नहीं लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को लेंगे, पास्ट को पास्ट में लेंगे, सिर्फ प्रेजेंट में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि गॉन हो जाएगा। अब देखिए सबका अलग अलग होता है, और मैं इस पर कई वीडियो मैं ला चुका हूँ जो है एक्शन वर्ब के ऊपर, एक्शन वर्ड के ऊपर, और भी वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करने वाले जो है वर्ड मीनिंग की आवश्यकता होगी, और उसको भी लाना बहुत जरूरी है, तो आप उसे नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा, बहुत जरूरी है। देखिए उसके बाद दोस्तों नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में बस सिंपल करना है कि सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज रहेगा, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, अभी भी थ्री रहेगा, सिंपल हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई हैव गॉन, ठीक है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है क्या है, यहाँ पर आई है, हैव लगा आई के साथ और भी थ्री हो गया गॉन, गो वेंट गॉन, उसी तरह देखिए ही हैज कहाँ लगा, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर ही है और हैज क्या हैज लगा और भी थ्री है गॉन, ही हैज गॉन, देखा। अब नेगेटिव से बहुत सिंपल है, आई हैव के बाद नॉट लगा देना है, गॉन जोड़ देना है, ठीक है, यहाँ जैसे कि सब्जेक्ट है उसके बाद हैव है, फिर नॉट है, फिर भी थ्री है, उसी तरह ही हैज नॉट गॉन है, उसके बाद उल्टा कर दीजिए हैव आई गॉन और उल्टा करके दीजिए हैज ही गॉन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हैव आई नॉट गॉन हो जाएगा,
ये तो था इंट्रोगेटिव, ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज ही नॉट गॉन। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हो जाएगा व्हाट, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा दीजिए। डब्ल्यू एच क्वेश्चन जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, व्हिच, हुज, ये 8 जो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इस सब पे चर्चा हो चुका है, पिछले वीडियो को देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। दोस्तों ये हो जाएगा व्हाट हैव आई गॉन, वेयर हैज ही गॉन, ठीक है, वेयर हैज ही गॉन। आइए देखिए ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप बदलते जाइए और बदलना जो आपको यही है, ठीक है, ये बदलते जाना, ही के जगह कुछ और लगाइए, गॉन की जगह दोस्तों कुछ और लगाइए, यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो हैज लगेगा ही, और ये बदलना है जो आपको बदलाव है ना, यानी पहला सब्जेक्ट और जो है वर्ब। फिर से देखते हैं, देखिए सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट रहेगा, यानी सब्जेक्ट अपन आपके अनुसार रहेगा, और वर्ब यानी वी थ्री भी आपके अनुसार रहेगा, और ये हैव या हैज थर्ड पर्सन रहेगा तो हैज जोड़ेंगे, और थर्ड पर्सन नहीं रहेगा तो हैव लगाकर काम चलाएंगे। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह हैव या हैज लगेगा। बस आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अधिक से अधिक वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए, तो जाहिर सी बात है, और प्रैक्टिस कीजिए अपने मन में, जो आप देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये था परफेक्ट या इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो है कंटिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, यानी कि जाता आ रहा हूँ या जाता रहा हूँ या जाता रहा है, यानी बहुत कोई ऐसा काम जो कि बहुत दिनों से चल रहा है, चलता रहा है प्रेजेंट में, यानी कि अभी वर्तमान में ही चलता रहा है, तो वो क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझना होगा इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, जो काम बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से, लेकिन वर्तमान में ही चल रहा है, न फ्यूचर में या न पास्ट में, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अब यही जो है चलते चलते काम जो है दोस्तों बाद में जो फ्यूचर में चला जाता है तो वो फ्यूचर हो जाता है, तो बहुत बाद में हो जाता है। तो देखिए इसका तरीका है, फॉर्मेट यही है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव बीन होगा या हैज बीन होगा। हैव बीन हैज बीन कहाँ, जहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे कि जहाँ पर थर्ड पर्सन रहेगा तो वहाँ पर हैज लगाएंगे, जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा सभी जगह जो हैव लगाएंगे। अब भी वन है ये, और इसके साथ प्लस जो दोस्तों आई एन जी जोड़ेंगे, ठीक है, आई एन जी जोड़ देंगे तभी होगा। अब देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट रहेगा, हैव बीन रहेगा, हैज बीन रहेगा, नॉट जोड़ देंगे, एक्चुअली नॉट जो है यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, तो नॉट जोड़ देंगे आई, और ये हो जाएगा वी वन। आगे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल है आई हैव बीन गोइंग, ठीक है, तो सिंपल है आई हैव बीन गोइंग, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, ही हैज़ बीन गोइंग थर्ड पर्सन, इसलिए हैज लगा यहाँ पर, यहाँ चेंज कर दिया मैंने, ही हैज़ बीन कमिंग, ठीक है। अब देखिए आई हैव नॉट बीन गोइंग, अब देखिए नॉट जो लगा है, ये नॉट जो है दोस्तों, ये हैव बीन तो यहाँ पर सिंपल था, यहाँ पर नॉट लगाएंगे, ठीक है, यानी आई सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, तब भी वन आई एन जी जोड़ेंगे, ठीक है, तब भी वन तब आई एन जी जोड़ेंगे वर्ब वन में, तो यहाँ पर इसी तरह हैज के साथ जो है हैज के बाद ही नॉट लग जाएगा। नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन गोइंग, यानी कि भी वन आई एन जी जो है उसके साथ ही बीन रहेगा, ही हैज नॉट, देखिए नॉट हैज के बाद ही नॉट आए, ही हैज नॉट बीन कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है Have I been going? Has he been going? यानी कि has he और been के साथ भी वन जुटा रहेगा। उसके देखिए Have I not been going? He has not been coming. ऐसे उसके देखिए What have I been? ठीक है What have I been? तो what have I तो होगा ही What have I? उसके been going. ठीक है Where has I? ठीक है Where has I been going? तो समझना होगा दोस्तों ये थर्ड पर्सन इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो ऐसे जो है आप समझ सकते हैं अच्छे तरह से। और देखिए नेगेटिव में अगर थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, क्योंकि जो गड़बड़ होगा दोस्तों यही गड़बड़ होगा, तो नेगेटिव पे ध्यान दीजिएगा, आई हैव के साथ ही नॉट लगेगा, जस्ट हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बिन बाद में जाएगा, लेकिन अगर
अफर्मेटिव में क्या होगा दोस्तों कि ये जो है आई हैव बीन गोइंग, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो नॉट लगाना नहीं है, सिंपल लिखना है तो सीधा सीधा आ जाता है। तो तरीका यही है दोस्तों, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा प्रेजेंट आज प्रेजेंट टेंस का जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रेजेंट नहीं अब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार और है, उसके बाद फिर फ्यूचर के चलेंगे। तो थोड़ा सा पास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका था और मैंने बताया फॉर्मेट पर बहुत ही आपको समझाने के प्रयास किया। बहुत ही जरूरी है दोस्तों सभी के लिए, स्कूल में है या स्कूल के बाहर के, उस सेंटेंस को अगर लिखना चाहते हैं कवर करना चाहते हैं तो यही तरीका है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, नहीं तो इस वीडियो को कम से कम दोस्तों दो बार जरूर देख लीजिएगा, टू टाइम्स देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। तो वीडियो कैसा लगा जो है सबसे पहले बात दोस्तों कि लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और शेयर कीजिए सभी लोगों को, सभी स्कूल के छात्र छात्राओं को या जो इंग्लिश के प्रति जुनून रखते हैं उनको शेयर कीजिए, और घंटी को दबाइए, हिट कीजिए, टच कर दीजिए और ऑन कीजिए, ताकि आने वाले जो भी पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन और बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन आते रहेंगे कौन कौन से वीडियो अपलोड हो रहा है हमारे चैनल के द्वारा, तो पता चलता रहेगा दोस्तों। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आने वाला है दोस्तों पास्ट, पास्ट जो कि बहुत ही टिपिकल भी है, बहुत ही यूजफुल भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, आप अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट तब तक दो से तीन बार रिवीजन कर लिए, तब तक कल पे दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।